द केरला स्टोरी, एक ऐसी फिल्म जिसका ट्रेलर 26 अप्रैल को जब रिलीज होता है तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर यह चर्चा के केंद्र में आ जाती है। मौजूदा समय में भारत में दो तरह के लोग हैं, एक जो केरला स्टोरी को एक सच्ची कहानी, समाज का आईना, वो काली हकीकत जिसे अब तक छिपाए रखा गया था वो प्रतीक मानकर इसे और ज्यादा देखने की अपील कर रहे हैं कि आप बड़ी संख्या में 5 मई को जब यह फिल्म रिलीज हो तो जाइए सिनेमा घरों में और बढ़ चढ़ कर देखिए। और दूसरा वर्ग जो इस फिल्म को झूठ का पुलिंदा बता रहा है, ये कह रहा है कि ये आरएसएस की साजिश है केरल में मानवता को खत्म करने की, वहां के माहौल को बिगाड़ने की। ये फिल्म प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई है जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इस फिल्म को लेकर चर्चाएं तो हैं और वो चर्चाएं आंकड़ों के जरिए समझ भी आती हैं। द केरला स्टोरी को अब तक मिलियन लोगों ने देख लिया है जबकि जिस प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज की गई है वो कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। वहां तकरीबन फॉलोअर भी जो हम चेक कर रहे थे तो 60-70 हजार फॉलोअर जो हैं उसके हैं, लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म के ट्रेलर को करोड़ों लोगों ने देखा और उसको वो लगातार शेयर भी कर रहे हैं, और चाहे पसंद कर रहे हैं नापसंद कर रहे हैं लेकिन इसके बारे में चर्चाएं खूब हैं। अब सवाल यह है कि क्या है केरला स्टोरी और क्यों इतनी ज्यादा चर्चा में है, क्या दिखा दिया गया ऐसा ट्रेलर में जो लोग बिल्कुल ही इस पर टूट पड़े हैं। अब इस फिल्म का ट्रेलर देखकर यह समझ में आता है कि एक लड़की है शालिनी उन्नी कृष्णन जो बाद में फातिमा भी बन जाती है। इस कहानी में दिखाया गया है कि हिंदू लड़कियां 3 हॉस्टल में रहती हैं, वहां पर एक मुस्लिम लड़की आती है जिसके साथ वो इन्वॉल्व हो जाती हैं और वो मुस्लिम लड़की किसी एजेंडे का हिस्सा रहती है जो अपने दोस्तों को धीरे धीरे इन्फ्लुएंस करती है। उनको ये समझाती है कि जो अल्लाह है वो सिर्फ आपको बचाता है, कभी भी जो रेप होता है वो किसी नकाब बुरके वाली के साथ नहीं होता, और ऐसी बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल बातें जो हैं वो करके यहाँ दिखाई गई है। फिर उसमें जो उसके बैकस्टेज में लोग होते हैं वो उस लड़की को समझाते हैं कि सुनो, इन लड़कियों को कन्वर्ट करवाना है तो इन्हें फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करवाओ, मुस्लिम लड़कों से रिश्ता बनवाओ, उसके बाद वो फिजिकल होती हैं, फिर निकाह होता है, निकाह होने के बाद उन्हें एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाया जाता है जिसमें वो सीरिया चली जाती हैं आइसिस के लिए युद्ध करने, और वहां पर वो पकड़ी जाती हैं जिसके बाद पुलिस वाला उनसे सवाल पूछता है कि तुमने आइसिस क्यों ज्वाइन किया, अफगानिस्तान में सवाल होता है, तो कहती हैं कि क्यों ज्वाइन किया, इससे ज्यादा जरूरी सवाल है कैसे ज्वाइन किया, मैं कैसे शालिनी से फातिमा भी बन गई वो जानना है, और मेरे जैसी हजारों लड़कियां हैं जो इन्हीं रेगिस्तानों में दफन हैं। ये इस फिल्म की मूल कहानी है जिसमें नजर आता है कन्वर्जन, आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होना, और इसमें हिंदू और क्रिश्चियन दोनों लड़कियों को बताया गया कि दोनों की बड़ी संख्या में यहां से कन्वर्जन और उसके बाद टेररिज्म में उनका इन्वॉल्वमेंट किया। इधर इस कहानी के आने के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर रिएक्शन कई तरह के शुरू हो गए, कई तरह के और फोटोज वीडियोज वायरल हो रहे हैं। मसलन एक लड़की है अतुल्या करके, उसकी भी प्रोफाइल दिखाई जा रही, कैसे वो टिपिकल साउथ की हिंदू लड़की होती है जो बाद में मुस्लिम गर्ल के इन्फ्लुएंस में आती है और फिर उसका ग्रुप बदलता है और बाद में शादी कर लेती है। ये ऐसे प्रोपेगेंडे चल रहे हैं। दूसरी तरफ वाले जो हैं वो दिखा रहे हैं कैसे होली का त्यौहार जो है उसमें हिंदुओं को रास्ता दिया जा रहा है, केरल में बीजेपी आरएसएस का एजेंडा नहीं चल पा रहा इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो दोनों साइड से सोशल वॉर में अपनी अपनी बातें रखी जा रही है। लेकिन फिलहाल करंट कहानी ये है कि केरल के सीएम जो है पिनरई विजयन, उन्होंने इस फिल्म को आरएसएस बीजेपी का एजेंडा बता दिया है। केरल के डीजीपी जो है इन्होंने इस फिल्म को लेकर एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज करवा दी है, और केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है और कांग्रेस है उन दोनों ने मांग की है कि इस फिल्म को रिलीज ना होने दिया जाए क्योंकि ये फिल्म जो है ये पूरी तरह से एजेंडे पर बेस्ड है और ये वहां के माहौल को बिगाड़ सकती है, वहां पर किसी प्रकार की गलत गतिविधियों को या लोगों को प्रोवोक कर सकती है। ये एक बड़ा मैसेज जो है वहां से दिया जा रहा है। शशि थरूर ने भी एक पोस्ट किया है, कहा क्योंकि वो सांसद हैं केरल से, उन्होंने कहा कि ये आपके केरला की स्टोरी हो सकती है, ये हमारे केरला की स्टोरी नहीं हो सकती है और ये आपका प्रोपेगेंडा है। अब सवाल है कि क्या ये फिल्म पूरी तरह से कपोल कल्पना पर बनी है या इसके पीछे कोई फैक्चुअल आधार है, ये एक बहुत बड़ा। इस फिल्म में एक और डायलॉग है जिसमें अदा शर्मा ये कहती हैं कि हमारे सीएम कह रहे थे कि 20 सालों में केरल जो है वो इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, तो हमें लगा कि थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, पता करते हैं कि वाकई में कोई ऐसी कहानी निकल कर आई थी, कोई ऐसी बात निकल कर आई थी जहां पर कभी किसी सीएम ने ऐसा कोई जिक्र किया लव जिहाद का, कन्वर्जन का या ऐसी कोई बात। तो
जब इतिहास में आप जाते हैं तो आपको ओमान चांडी, जो इससे पहले यहां के सीएम हुआ करते थे, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एक बार कन्वर्जन के आंकड़ों को सदन में रखा था। 2006 से 2012 के दौरान 7,713 लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया था। यह बात उन्होंने फैक्चुअली डेटा के साथ रखी थी। हालांकि ये 7,713 लोग जो हैं, ये सभी महिलाएं नहीं थी, इनमें पुरुष भी थे। और 2009 से 2012 के बीच में जो कन्वर्जन हुए थे उसमें महिलाओं का आंकड़ा उन्होंने रखा था 2,667। लेकिन हिंदुओं में भी कन्वर्जन हुआ था 2,195 इसमें। हालांकि जो ये 2,667 महिलाएं थी, इसमें 2,195 हिंदू लड़कियां थी जिन्होंने 3 साल के अंदर इस्लाम को कबूला था, और तकरीबन 492 मुस्लिम लड़कियां थी जिन्होंने इस्लाम को कबूला था। तो ये एक डेटा जो है जिसमें 2,700 लड़कियों का लगभग आंकड़ा है जो 3 साल के अंदर कन्वर्ट हुआ था, ये वहां के सीएम ने माना है। तो ये इस फिल्म में जो बात है, ये एक बात सच निकलकर सामने आई। लेकिन इसी में एक सच्चाई और भी है कि 2006 से लेकर 2012 के बीच में केवल मुस्लिमों में लोग कन्वर्ट नहीं हुए थे, हिंदुओं में भी कन्वर्ट हुए थे। जैसे कि 2,803 लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं में कन्वर्ट हो गए थे, और 2009 से 2012 के बीच में 79 लड़कियां हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, 2 लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था। तो कन्वर्जन जो है वो हिंदुओं में भी हुआ है, हालांकि वो मुस्लिमों के कन्वर्जन के हिसाब से बहुत छोटा है, वहां थोड़ा ज्यादा है। दूसरा जो इसके डायरेक्टर हैं, इनसे एक सवाल पूछा गया कि आप लोगों ने ये कहानी कहां से बना दी, क्या उसका कोई आधार है? तो डायरेक्टर जो कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब हमने ऐसी घटनाओं को सर्च शुरू किया तो एक खबर निकल कर आती है द हिंदू से, द हिंदू जो देश का जाना माना अखबार है, वहां पर एक खबर आती है कि भारत सरकार ने 4 ऐसी लड़कियां हैं, अभी ये दिसंबर 2021 की खबर है, 4 ऐसी लड़कियां हैं जो सीरिया में युद्ध लड़ने गई थी लेकिन उनके पति जो हैं वो वहां पर मार दिए गए, उसके बाद अफगानिस्तान में सरेंडर किया, खुरसान प्रांत में वो आईएसआईएस के लड़ाकों के लिए युद्ध लड़ रही थी, और उसके बाद उनके पति की डेथ हो जाती है, उन्हें अफगानिस्तान की जेल में रख लिया जाता है, और वो भारत वापस आना चाहती हैं लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि इन चारों लड़कियों को जो कन्वर्ट हुई हैं, बाद में वहां लड़ाई लड़ी थी, उनको हम अपने देश में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये एक बड़ी घटना जो है 4 लड़कियों की निकल कर आती है, लेकिन वहां जो आंकड़ा है वो 32। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें कहा गया था कि 2 धर्मों के लोगों का कन्वर्जन जो है वो बहुत तेजी से 2011 से 15 के बीच में हुआ है, और ये धर्म हिंदू धर्म और आपके क्रिश्चियन धर्म को लेकर था। और जो आंकड़ा दिया गया था वो था 5,793 लोग जो है वो 2011 से 2015 के बीच में कन्वर्ट हुए थे, जिसमें 35 साल के नीचे की महिलाएं ज्यादा थीं, क्योंकि ओवरऑल जो ये आंकड़ा है 5,793, इसमें 76% कहा जाता है कि महिलाओं को कन्वर्ट किया गया था। और इसमें भी जो आंकड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया था वो था 4,719 लड़कियां जो हैं वो हिंदू धर्म से आती थीं और 1,074 लड़कियां जो हैं वो मुस्लिम धर्म से आती थीं। ये आंकड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से, और जिस एजेंसी के हवाले से उन्होंने खबर छापी थी उसमें ये कहा था कि ये आंकड़ा और ज्यादा बड़ा हो सकता है, और यही बात जो है ये इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस अदा शर्मा कहती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि केरल गवर्नमेंट, कांग्रेस इस बात का खुलकर खंडन कर रही है, विरोध कर रही है। अब ये प्रोपेगेंडा है या रियल कहानी या माहौल खराब करने की कोशिश, ये हम आप पर छोड़ देते हैं। हमारी कोशिश थी कि जो फैक्ट्स हैं वो आपके पास रखे जाएं, इन फैक्ट्स के जरिए आपको जानकारियां दी जाए। हालांकि इस फिल्म के डायरेक्टर का कहना है कि ये फिल्म इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं है, ये फिल्म जो है ये टेररिज्म के खिलाफ है, क्योंकि टेररिज्म में जिन देशों में टेररिज्म हुआ वहां पर मारने वाले भी वही थे, मरने वाले भी वही थे, तो इसे उस विक्टिम की नजर देखा जाए। खैर, एक बात महत्वपूर्ण आपको और बता दें, कई मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जिन्होंने केरल में यह दावा किया है कि अगर ये कहानियां सच्ची हैं तो वो सबूत लाकर दें, साबित करें कि ऐसा कुछ हुआ है, और उन्हें वो 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे अगर वो साबित कर देते हैं कि ऐसी घटनाएं वहां हुई हैं या हो रही हैं या इस तरह से हो रही हैं। दूसरा, एक्ट्रेस अदा शर्मा तमाम अपने सोशल इंटरव्यूज में कह रही हैं कि उन्होंने ऐसी लड़कियों से मुलाकात की है, और निजी तौर पर मुलाकात करने के बाद ही इस स्टोरी को उन्होंने पिक किया और उसके बाद इस पर वो काम कर रही हैं। हालांकि वो ये भी कह रही कि उन्हें ऑनलाइन थ्रेट्स जो हैं वो लगातार मिल रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं उन्हें, कई तरह की दी जा रही हैं। तीसरी बात, स्कूल कॉलेजेस में कई जगह देखने को मिला है कि छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे विवाद होने लगे हैं, जहां पर कॉलेज के ग्रुप्स में लोग डाल रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, कई लोग उसका विरोध कर रहे हैं, माहौल थोड़ा सा खराब हो रहा है, ये नजर आ रहा है। यही वजह शायद थी कि मैं इस वीडियो को बनाने से हिचक भी रहा था, क्योंकि
इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे ये पता है कि बैशिंग बहुत तेज होने वाली है, लोग आपस में कमेंट सेक्शन में लड़ने वाले हैं। मेरी कोशिश थी कि फैक्ट के जरिए समझाया जाए, बताया जाए, लेकिन आपको भी ये समझना है कि अपना व्यू रखना अलग बात है और व्यू के आधार पर पूरे कम्युनिटी को टारगेट करना, चाहे वो हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन हो या फिर मुस्लिम धर्म हो, वो सही बात नहीं है। इस 32,000 के आंकड़े को लेकर सवाल है, लेकिन ये घटनाएं जो हैं, क्या ये भी सवालों घेरे में है? उम्मीद है जांच एजेंसियां जांच करेंगी।